आज के हमारे आधुनिक विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लगा पाया कि संसार को बनाया किसने है, संसार में मनुष्य कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई है। यह सवाल हमेशा से हमारे मन में आता रहा है। इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और हमारा आज का आधुनिक विज्ञान देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठी की गई है। लाइमलाइट वर्ल्ड इन सब का समर्थन नहीं करता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि केवल आपको जानकारी देना है। अगर फिर भी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो लाइमलाइट वर्ल्ड उनसे माफी मांगता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, यह एक अहम सवाल है। लेकिन वो कौन था जो मानव जाति को इस संसार में लाया? लेकिन इन सब बातों से ऊपर एक और सवाल यह है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वो कहां से आया और उसे बनाने वाला यानी कि उसका रचयिता कौन था, उसका इस संसार में आना और किस समय पर आना, यह सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है। क्योंकि हमारा आधार केवल वही एक मनुष्य है जिसकी बदौलत इस विशाल जाति का जन्म हुआ। अगर हम हिंदू धर्म के पुराणों की बात माने तो सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था, लेकिन अगर हम बात करें पश्चिमी सभ्यता की तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार एडम इस दुनिया में आने वाला पहला मानव था, जिसके बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। लेकिन इन्हें बनाने वाला कौन था, यह भी अब तक एक क्वेश्चन मार्क ही रहा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा दो लोगों को बनाया गया था, एक पुरुष और एक स्त्री। मानव संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए यह जरूरी था कि वे पुरुष के साथ स्त्री की भी रचना करें। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री थी सतरूपा। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, यह सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही हमारे आदि पूर्वज हैं और हम उनकी भविष्य की पीढ़ी हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ है। यह सभी नाम पहले मनुष्य यानी मनु से ही जुड़े हुए हैं। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों तथा पितरों का निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे किस चीज की रचना करें जिसके बाद उनके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। एक बार ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे, अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख उन्हें बेहद अचंभा हो रहा था कि वह कोई मामूली काया नहीं बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देख कुछ देर तो भगवान ब्रह्मा समझ न सके कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। यही मानव संसार का पहला मनुष्य था जिसे मनु के नाम से जाना जाता है। इस पौराणिक कथा से एक और सवाल मन में आता है कि हिंदू मान्यताओं में तो मनु ने जन्म लिया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था? यदि बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, इसी तरह से बाइबल में भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था। यह परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह ही दिखती थी। बाइबल में एक परछाई यानी कि पहले मनुष्य को एडम का नाम दिया गया है। बाइबल में एडम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है, मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर। इसका मतलब है कि भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। इन दोनों कथाओं से यह साबित होता है कि मनु ही वह पहला इंसान था जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। मनुष्य के साथ इस सांसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री सतरूपा की भी रचना की गई थी। जहां पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सतरूपा का जन्म हुआ था, वहीं बाइबल के अनुसार एडम के साथ ईश्वर द्वारा एम्बेला का जन्म हुआ था। इन सभी तथ्यों को जानकर यह साबित होता है कि हिंदू इतिहास तथा पश्चिमी सभ्यता की बातें काफी हद तक समान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी ऐसी कई बातें हैं जो दोनों सभ्यताओं को काफी भिन्न बनाती हैं। अब वो चाहे संस्कृति के संदर्भ में हो या मनु के जन्म के बारे में हो, दोनों में अंतर जरूर है, लेकिन कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं।
बाइबल में लिखी गई कहानी के अनुसार एडम का निर्माण खुद ईश्वर ने किया था, लेकिन दूसरी ओर मनु तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के शरीर से काया बनकर उत्पन्न हुआ था। इन सभी तथ्यों में जहां पुराण तथा बाइबल में मनु और शत्रुपा के जन्म को लेकर कुछ असमानताएं देखी गई हैं, वहीं उनके जन्म के बाद की कुछ घटनाओं में समानताएं भी हैं। पुराण के अनुसार मनु तथा शत्रुपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक इसी तरह बाइबल में भी इस तरह की घटना का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही बाइबल में एडम के बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती जुलती है। जिस तरह पुराण में भी ब्रह्मा के भीतर से निकली काया से मनु का पूर्ण रूप से जन्म हुआ था, उसी तरह बाइबल में एडम का जन्म भी पूर्ण विकसित रूप में ही हुआ था। लेकिन इन सब में एक बात और खास है कि हिंदू पुराण के अनुसार केवल एक ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा मनु ने जन्म लिया था। यदि आंकड़ों के हिसाब से कहें तो पुराण में दर्ज यह तथ्य बताते हैं कि उस समय एक नहीं 10 मनु ने जन्म लिया था। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पहला इंसान केवल मनु था? इस संदर्भ में पुराण का कहना है कि मनु केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मनु एक अकेला पुरुष नहीं बल्कि 10 लोगों का समूह था जिनका जन्म एक ही उद्देश्य से होने की वजह से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाने लगा। यह सभी मनु विभिन्न समय क्षेत्रों में अलग अलग स्थान पर उत्पन्न हुए जिन्हें बाद में मनु का नामकरण प्राप्त हुआ। यह सभी पौराणिक तथ्य हमें मनु के जन्म से लेकर उनके विस्तार तक काफी रोचक तथा आश्चर्यजनक भावनाएं प्रदान करते हैं। यह तथ्य हमें मानव जाति का एक बड़ा इतिहास उपलब्ध कराते हैं जिन्हें जानना वाकई बहुत रोचक है। तो इस बारे में आपकी अपनी राय क्या है? क्या संसार में आने वाला पहला मनुष्य मनु था या एडम? आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।